So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Priyanka. Thank you so much guys for coming back. So जैसे कि आपको पता है मैं ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ. So this is Q&A part 2 वीडियो. जैसे कि आप लोगों ने next वीडियो में देखा होगा कि मैंने part 1 बनाया था, तो आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ Q&A. So मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए वीडियो लेके. आपके एक्सट्रैक्शन गैप फील होने में कितने टाइम लगे? सो मेरे एक्सट्रैक्शन गैप फील होने में विथिन 9-10 मंथ लगे. और मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग के जो 5-6 मंथ वो लगते हैं वो अलग लगे. उसके बाद में मैं टाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सो उसके बाद में मेरे को 9 मंथ लगे. मतलब टोटल मुझे 15-16 महीने लगे, मतलब 1.5 साल तक अराउंड लगा पूरे अच्छे से क्लोज होने में. सो ब्रेसेस लगाने से दांत हिलते हैं क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेरे कमेंट सेक्शन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंशन मत लो. मैं सही बोलूँ, मुझे खुद को बहुत टेंशन होता था जब मुझे ब्रेसेस लगे थे. ये एक्चुअली माइंड में आता है कि ब्रेसेस लगाने से दांत क्यों हिलते, इतना हिल रहा है, गिर ना जाए ऐसा. आपको बता दूँ कि मेरे भी दांत हिलते थे जब मुझे ब्रेसेस लगे थे. पूरे दांत ऐसे हिलते थे प्रॉपर अच्छे से, तो मुझे ऐसा डर लगता था कि मेरा दांत निकल ना जाए. पर ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली दांत पहले आके कैसे स्पेस चेंज होता है, तो वो हिलेगा तभी वो बाद में वो थोड़ा सा हिलेगा तो फिर नेक्स्ट मंथ में डॉक्टर उसको टाइट करते हैं तो वो उस जगह पे फिक्स हो जाता है. उसमें मूवमेंट्स होती हैं दांतों में, स्टार्टिंग में मूवमेंट्स होती हैं तो हिलता है दांत, तो फिर वो दांत हिलता है. इट्स अ नॉर्मल थिंग, पहली बात तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश्विक का, क्या आप कुछ भी खा लेते हैं क्या? बताइए, पहले जैसा मांस मछली मुर्गा हार्ड से हार्ड चीज खा लेते हैं? एंड आपकी एज अभी कितनी है बताइए, कितने एज में लगा था ब्रेसेस? उनको बता दूं कि मैं वेजिटेरियन हूँ पहली बात तो, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ. लेकिन हाँ, अब मेरे दांत इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ. मेरे दांत में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे दांत में पेन होता है, ना स्वेलिंग होती है, ना ब्लडिंग होती है, नथिंग एल्स. तो मेरे दांत बिल्कुल अच्छे हैं, तो मैं सारी चीज़ें खा सकती हूँ. पर मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अब मुझे आइडिया नहीं मांस मछली का. पर मेरे को ऐसा लगता है कि दांतों में इतनी मजबूती हो गई है कि अब हम सब कुछ खा सकते हैं. ये अल्टो का क्वेश्चन है कि प्रियंका, ऐसा लगता है कि आपके टीथ फिर से बाहर आ रहे हैं, टीथ की पोजीशन चेंज हो रही है. सो अल्टो को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे टीथ की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. एक्चुअली एज के अकॉर्डिंग थोड़े आपके फेस बड़े हो जाते हैं, आपका चेहरा बड़ा हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट दिखने लगता है. बट मेरे टीथ अभी भी वैसी पोजीशन में है. देखिए, मैंने पहले के भी फोटो सेव करके रखे हैं एंड अभी तक भी वैसे ही हैं. मैंने पूरे प्रॉपर से, पूरे सही तरीके से, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था, मैं उस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो की थी. अभी मेरे दांत की पोजीशन बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये है विजय कुमार का क्वेश्चन. मेटल ब्रेसेस के ड्यूरिंग टीथ पीला हो गया, मतलब मेटल ब्रेसेस उनको लगा है तो अभी दांत उनके पीले हो गए हैं, तो वो मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि मैं कौन सा पेस्ट यूज़ करती थी. टूथपेस्ट यूज़ करती थी, तो मैं नॉर्मली यही मैक्स फ्रेश, कुछ भी पतंजलि का कोई भी पेस्ट यूज़ करती थी, कोई स्पेशल पेस्ट नहीं यूज़ करती थी. एंड में आपके डॉक्टर आपको आपके टीथ पॉलिश करके देंगे ब्रेसेस निकलने के बाद, डोंट वरी. ये है रौनक परमार का क्वेश्चन, मुंह के छाले के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्टली आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए कि मेरे को मुंह में छाले हो रहे हैं, क्या करूँ? तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए. तो ब्रेसेस स्टार्टिंग में जब लगाते हैं ना, बहुत उसकी वजह से ना लिप्स छिल जाते हैं इधर इधर के, अपन हंसते हैं बोलते हैं तो जितनी बार हम ऐसे करेंगे तो उसमें रगड़ाता है, उसकी वजह से कट जाते हैं, थोड़े जलन होती है, कुछ खाओ तो लगता है.
उसके लिए मुझे मेरे डॉक्टर ने एक मोम के जैसा दिया हुआ था, लाइक एक एकदम मोमबत्ती कैसी होती है, पिघलता है तो कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो ऐसी चीजें दिया था डॉक्टर ने। उस पे चिपकाते थे तो एकदम लाइक प्लेन हो जाता था, ब्रैकेट्स के ऊपर चिपकाते थे तो उसकी वजह से घसता नहीं था, तो मैं दिन में वही लगा के रखती थी। आपने डॉक्टर से एक बार सजेस्ट कर लीजिए, वो बताएंगे कि क्या मतलब यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नाम, आईडी का नाम ही कुछ अलग है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मुझे तो बार बार सूजन हो जा रही है ब्रशेस की वजह से और मुंह भी छिल जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ और जलन भी हो रही है। सोकर उठती हूँ तो लिप्स पूरे फूल जाते हैं मोटे मोटे, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? फर्स्टली आपको बता दूँ कि दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग्स। जब हम स्टार्टिंग में ब्रशेस लगाते हैं तो लाइक बार बार उस पे ना घिसने की वजह से थोड़ा हमें जलन होता, कट जाता है, इधर इधर पे कट जाता है। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ये होते हैं, फिर थोड़े से दांत लाइक एडजस्ट हो जाते हैं ना, थोड़े से हमें आदत भी हो जाती है तो वो चीज़ें नहीं लगती है, पर स्टार्टिंग के 2-3-4 महीने तक थोड़ी ये प्रॉब्लम हो फेस करनी पड़ती है। और आपने डॉक्टर से एक बार बात कर लो, मेरे को तो ऐसे मोम के जैसी एक चीज दिया हुआ था से, अभी मेरे पास तो है नहीं, मेरे ब्रशेस निकले 2-2.5-3 साल हो गए, सो मेरे पास वो है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखाती। आप जाके मेरे ब्रशेस रिलेटेड वाले वीडियो में, किसी वीडियो में देखोगे तो मैंने वो दिखाया है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, मैंने वो दिखाया है। मुझे लग रहा है मैंने ब्रशेस पेन कब कब होता है उस वीडियो में शायद दिखाया, मुझे अच्छे से याद नहीं है वो क्या चीज़ होती है। तो उसको ऐसा लगाएंगे ना तो हम हंसते हैं तो ब्रैकेट से वो घिसता तो लाइक मोम के जैसा रहता है, उस पर चिपका देते हैं ब्रैकेट्स पे, तो हम हंसते हैं बोलते हैं तो वो घिसता नहीं है, हमारे हमारे लाइक स्किन को हर्ट नहीं करता है वो। फिर तो आप उसको लगा के मतलब बच सकते हैं थोड़ा पेन से, और थोड़ा स्टार्टिंग में 2-3 मंथ मतलब पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, दर्द होता है, ये सब दुखते रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा पेन हो रहा है, पर पेन होता है, आई कैन फील दैट। आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ये है मास्टर जरून का क्वेश्चन, या आईडी नेम है उनका, पता नहीं रियल नेम क्या है। उनका क्वेश्चन है, अब तो इनका क्वेश्चन पढ़ के मैं खुद टेंशन में हो गई हूँ। यू नो वॉट इफ यू वियर ए ब्रेसेस फॉर योर टीथ इशू देन इट्स गुड, बट आफ्टर प्रेगनेंसी इट विल कम बैक विद द सेम इशू, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड लॉट ऑफ पेशेंट फेस द सेम प्रॉब्लम सेम इशू आफ्टर डिलीवरी, सो जस्ट कंसल्ट विथ डॉक्टर फर्स्ट, अदरवाइज योर मनी विल बी वेस्ट, सो वॉच आउट मस्ट। अभी तो मुझे खुद टेंशन हो रही है एक्चुअली, अभी तो मेरे को बेबी नहीं है, बट अब इनका क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे खुद टेंशन हो रही है कि एक्चुअली में क्या होता है, बट लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ इफेक्ट हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। अभी मुझे खुद को भी नहीं पता, बट शायद प्रेगनेंसी के टाइम पे होता हो ऐसा, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन रवि रानी दीक्षा का, एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों का है, कि दी प्लीज़ शेयर योर डिटेल, शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर, और मेरे को आपसे बात करनी है, सॉरी गाइस आई कांट से माई कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी है प्रियंका आरती यादव, स्मॉल प्रियंका स्पेस आरती स्पेस यादव ऐसे है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और मैं करती भी हूँ, आप मुझे वहाँ से आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है काजल गुप्ता का क्वेश्चन, कि ब्रेसेस में इलास्टिक रबर बैंड कब तक लगाया था आपने? वो एक
प्रोसेस होता है। लाइक मेरे जब गैप टीथ के गैप ऑलमोस्ट फील होने वाले थे तब मुझे इलास्टिक लगा था, और इलास्टिक लगा था मेरे को टू मंथ लगा था। एज बिंदु शर्मा का क्वेश्चन है, मेरी एज 33 ईयर है, क्या मैं ब्रेसेस लगा सकता हूँ? सो डेफिनेटली आप लगा सकते हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जब तक आपके दांत अच्छे हैं तब तक, मतलब बुढ़े हो गए तो नहीं लगा सकते, बट अभी तो आपकी एज है, आप लगवा सकते हैं ब्रेसेस। तो एक है श्वेता पांडे का क्वेश्चन, जो आप गुड मॉर्निंग आयुर्वेदा का मंजन यूज करती हो उससे ब्रेसेस के साथ यूज कर सकते हैं क्या? सो गाइस मैं बताऊं आपको कि उसको ब्रेसेस के साथ यूज़ करोगे तो पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर मैंने पर्सनली मैंने नहीं यूज़ किया है, तो आप यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ब्रश करने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कीर्ति शौदा का क्वेश्चन है कि दी ब्रेसेस निकलने के बाद जो आपको मेटल ब्रेसेस लगे हैं लोअर टीथ पे, क्या वो मेटल के हैं? तो उनको बता दूं कि ये मेटल मींस स्टील बोलेंगे लाइक उसका है, ताकि अभी लोहे का रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगी, सो वो अलग ही मेटल है। आई डोंट नो वो किस चीज़ का बना हुआ, पर उसमें जंग ना लगे, एकदम पतली सी वायर, एकदम पतली सी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे दांतों में ये लगा हुआ है। सो उससे मेरे को कोई इफेक्ट भी नहीं होता है कि लाइक मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मेरे दांतों में, इवन मेरी शादी को 2-2.5 साल हो गए, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला, मतलब उनको मेरी वीडियो के थ्रू पता है कि मेरे दांतों में लगा है, पर उनको पर्सनली अभी तक उनको दिखा नहीं कि मेरे लोअर रिटेनर किधर लगे हुए हैं। एक बार वो बोल रहे थे कि दिखाओ, पर उनको दिखा नहीं एक्चुअली किधर लगा हुआ है ऐसा, मतलब इतना पतला वायर और इतनी फिनिशिंग से चिपकाते हैं डॉक्टर उसको, वाइट कलर के ही गम से चिपकाते हैं, तो दांतों में बिल्कुल भी एकदम प्लेन अच्छे से फिनिशिंग कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है। सो गाइस मुझे हो गए 1 घंटे के अराउंड मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड आपको बता दूं कि मैं पंखे बंद करके वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए, और मुझे देख रहे इतनी गर्मी लग रही है, एकदम पसीना चिपट चिपट हो गया, और आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। सो जल्दी जल्दी फटाफट जाके वीडियो को, अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं और भी कंटिन्यू करती। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी अपने वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।